Hello guys, welcome back to our channel. So finally, Canada's favorite coffee shop that is Tim Hortons is now open in Mumbai. Today we are going to Lokhandwala Tim Hortons. उसकी आज ओपनिंग है एंड वी विल गोइंग टू शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू ऑल. तो अभी हम लोखंडवाला बैक रोड पहुंच चुके हैं और यहां से 2 से 3 मिनट की डिस्टेंस पे टिम हॉर्टन्स है. तो फाइनली वी हैव रीच टिम हॉर्टन्स और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आप भीड़ देख सकते हो. हम काफ़ी फॉर्चुनेट थे कि हम लाइन में सबसे आगे हैं क्योंकि हम सुबह 9 बजे ही पहुंच गए थे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग कितने एक्साइटेड है फॉर द ओपनिंग ऑफ द टिम हॉर्टन्स एंड वी आर एक्साइटेड टू हैव आवर कॉफ़ी एट टिम हॉर्टन्स इन इंडिया. तो अभी कुछ मिनट ही बचे हुए हैं ओपनिंग के लिए एंड वी आर सुपर एक्साइटेड. So now have a look how long is the queue and please watch till end and also like and comment on blog. So abhi finally opening ceremony hogi, till then you enjoy cinematic shot. तो अभी हम एंटर कर चुके हैं टिम हॉर्टन्स एंड वी हैव बिकम द फर्स्ट 5 कस्टमर एंड वी आर गोइंग टू प्लेस आवर ऑर्डर सून. तो टिम हॉर्टन्स के ओनर ने अपने पहले कस्टमर को खुद अपने हाथों से सर्व किया. सो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द ओनर ऑफ द टिम हॉर्टन. She was very humble. She asked us what we are going to order and also suggested what we should try. So finally we are going to place our order now. So we ordered Bhedar Roti Cigars with signature Timbits and we got a complimentary iconic French vanilla. तो अभी हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर चुका है और हमें एक बजर मिला है. जब वो बस करेगा तब हमें अपना ऑर्डर कलेक्ट करना रहेगा. तो अभी हमारा ऑर्डर आ चुका है. सो नाउ वी विल एंजॉय अवर मील एंड शेयर अवर रिव्यू. तो चिकन बैदा सिगार वॉज वेरी टेस्टी एंड टिम बिट्स वर ऑल्सो वेरी डिलीशियस. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वेन एवर यू कम टू टिम हॉर्टन्स. You should definitely try out their mushroom and cheese melt sandwich and grilled chicken salad and also their pastries and donuts. If you are a coffee lover, then you should definitely try out Tim Hortons. Thanks for watching our video. Do like, share and subscribe our channel. Please do let us know what did you like in the video in the comment box.